पौराणिक कथा के अनुसार 8 ऐसे व्यक्ति हैं जो आज भी अमर हैं और जिन्हें अमरता का वरदान मिला है। मान्यता के अनुसार लंका में हनुमान जी ने देवी सीता को श्री राम का संदेश दिया था। इससे प्रसन्न होकर माता सीता ने उन्हें अजर अमर रहने का वरदान दिया था। परशुराम भगवान विष्णु के अवतार है। परशुराम का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथों में ही है। विभीषण रावण के छोटे भाई विभीषण को भी चिरंजीवी माना गया है। राजा बलि ने भगवान विष्णु के अवतार वामन देव को अपना सब कुछ दान कर दिया था और इनको भी अमर माना गया है। वेद व्यास चारों वेद ऋग्वेद अथर्ववेद सामवेद और यजुर्वेद का संपादन किया था। गुरु कृपाचार्य महाभारत में कृपाचार्य कौरव और पांडव के गुरु थे। वे अपने तप के बल से चिरंजीवी माने गए हैं। ऋषि मार्कंडेय अल्पायु थे। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और तप करके शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी के बर से वे चिरंजीवी हो गए। पौराणिक कथा के अनुसार अश्वत्थामा भगवान श्री कृष्ण की श्राप से अमर है। अश्वत्थामा को गर्भ में पल रहे शिशु परीक्षित के हत्या के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के अपराध में दंड स्वरूप श्राप मिला था। अमरता के श्राप से आज भी अश्वत्थामा अमर है। चलिए जानते हैं उनके बारे में।